अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार की शाम को मुमरा जीवन बाग स्थित सटे हुए रिजवी मस्जिद को लग करके आफरीन हॉल में मुमरा शहर के समाज सेवक नजमुद्दीन मलिक मुबीन सुरवे इनकी एनजीओ की तरफ से वोटिंग बेदारी मुहिम का आयोजन किया गया था। अच्छे खासे लोगों ने जो है इस प्रोग्राम में हाजिरी लगाई। वोटिंग की बेदारी जो है, जहाँ जहाँ मुस्लिम घेटोज है, मुस्लिम बहुल आबादियाँ हैं, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट जो है इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो अपनी चॉइस से किसी भी पार्टी को वोट देना है वो एक अलग बात है, लेकिन वोटिंग करना चाहिए, करते रहना चाहिए, उसमें जो है कंटिन्यूटी रहना चाहिए। उम्र के 18 साल के बाद जो है पहली बार वोट डालने का जो हक हमें मिलता है, तो यह हक हम इस्तेमाल न करके कहीं ना कहीं चूक करते हैं। और यह हक इस्तेमाल करने के बाद ये जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको इस्तेमाल करने से कितनी बड़ी जो है डेमोक्रेसी को और जनतंत्र को मजबूती मिलती है वो भी समझ में आता है। तो कैसा रहा ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में मोहम्मद अली जनाब, उम्मीद फाउंडेशन के परवेज फरीद, मुमरा वॉइस फाउंडेशन के साजिद साहब, पूर्व मेयर नईम खान, सैयद अली भाई साहब आदि कई लोगों ने अपनी बातें रखी। और वोटिंग के लिए जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकल करके पास पड़ोसियों में जन जागृति करने के लिए और परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपील की। तो देखिए कैसा रहा ये वोटिंग बेदारी का प्रोग्राम। तहरीक हमारी मस्जिदों से शुरू हो, हर मस्जिद का इमाम नशे के ऊपर बोलना शुरू करे, हर मस्जिद का इमाम वोटिंग लिस्ट की बात करे। हम सुनते हैं सारी बातें, हमारे हमारे सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें किया है, वो पीछे चले जाके बैठ गए। आपको भी आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत अच्छी बात किया आपने, टेक्निकली बातें आपने किया। तो तहरीक कोई भी अगर चलेगी हमारी, तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से चलेगी और मदरसों की चलेगी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हम सब मिलके मान लेंगे, चाहे हमारे वो शिवसेना से भाई हो, चाहे मैं राष्ट्रवादी से हूँ, चाहे आप किस विचारधारा से फॉलो करते हो, वसीम भाई उससे है, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है ना, तो उसको माना जाएगा। और अगर ये तहरीक चलेगी नजमू भाई, तो यहाँ पर 1,45,000 रोड भी गिरेगा और नशे का खात्मा भी होगा रफीक भाई। लेकिन तहरीक मस्जिदों से चलना चाहिए और मदरसों से चलना चाहिए, और बगैर तबके फिक्र के कि ये कोई जरूरी नहीं कि सुन्नी का बच्चा है, जरूरी नहीं कि ये वहाबी का बच्चा है, ये उम्मते मुसलमान का बच्चा है। और उम्मते मुसलमान अगर इसी तरीके से नशाखोरी करके सड़क पे मरते रही, तो वो दिन दूर नहीं कि तुम अपनी नौजवान नस्ल को बचाने में नाकामयाब होगे। और मेरी ये लोगों से अपील है, यहाँ पे जितने एनजीओ बैठे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हुए, मेरी उनसे अपील है कि आज से इस अवेयरनेस के साथ में हमको, रफीक भाई ने जो बात किया है, नशे की भी अवेयरनेस शुरू करना चाहिए। इलेक्शन में अगर हमको वोट देना चाहिए, तो इलेक्शन के उसके ऊपर ये भी बात करना चाहिए कि नशाखोरी कितनी बड़ी है। अगर आप इस तरीके से हर मस्जिदों में, हर यहाँ पे काफी एनजीओ मैंने देखा, हर तबके के लोग देखा हो, हर टाइप के लोग देख रहा हो, सब जन एनजीओ को भी देख रहा हूँ, वो सारे लोग मिलके अपने मस्जिदों पे, जो जो अपने हल्के की मस्जिदें हैं, उससे जाके कहे इमाम से कि आप वोटिंग ठीक है, नजदीक है, तो हमको करना है, इसके अंदर हमको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है ना। अगर हम इस पे कामयाब होते और हर मोहल्ले के लोग, जो भी बड़े बुजुर्ग है, वो अपने अपने मस्जिदों में जाए और ये बताए इमाम साहब हालात आज भी एक बार में पढ़ते, क्योंकि उर्दू सबको मालूम है, उसमें पढ़े और उसके बाद हमारे इमामों से दरख्वास्त करें, उसके बाद जब वो तहरीक शुरू होगी तो सबसे बड़ी तहरीक बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुमरा को करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक नई कोशिश की थी कि सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके, हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह से वोटिंग का परसेंटेज बढ़े। आपको तो पता ही है कि वोटिंग का परसेंटेज जब तक बढ़ेगा नहीं, तब तक शहर का वज़न नहीं बढ़ता है। शहर का वज़न आका जाता है वोटिंग से। जब तक के हम लोगों में बेदारी नहीं आएगी,
पॉलिटिकल लोग इसमें अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे तब तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, और जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक के ना हमारी कदर कीमत रहेगी, ना हमारे कामों में भी काफ़ी अड़चने आएगी। इस शहर को तो माना जाता है ना कि लगभग 10 लाख लोग रहते, लेकिन अगर 10 लाख के एवज में अगर 60,000 वोट गिरेंगे तो इस शहर को 10 लाख के नज़र से नहीं देखा जाएगा, इस शहर को 60,000 की नज़र से देखा जाएगा। और आपको सहूलतें और जो फैसिलिटी है आपको 60,000 की मिलेगी। जब आपको आप बोलते इतना ठोक के कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी आबादी है, 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, तो 10 लाखों में अगर 3 लाख 4 लाख वोटर अगर वोट नहीं देगा तब तक आप उस चीज़ को आप एक्सपेक्ट मत रखो कि पॉलिटिकल लोग आपको उस तरह की फायदा सरकार से दिला पाएंगे। नहीं, ऐसा है कि हर इलेक्शन से पहले हमारी कोशिश रहती है कि वोटिंग अवेयरनेस हो। दोस्तों, ऐसा हुआ है कि हमने हर दौर में किया, जिसके कुछ फ़ायदे भी आपको बताता हूँ कि पहले हमारे सिर्फ 4 वार्ड थे, आज हम लोगों ने 20 वार्ड किए, तो हमारे को कॉरपोरेशन का फंड दिखाई दे रहा है। उमरा में जो भी काम है 99% कॉरपोरेशन का फंड है। अब हमारी ताकत हम MLA और MP की करना चाह रहे हैं ताकि हमारे को उनका भी फंड इस्तेमाल करने मिले। इसीलिए हमने उलमाओं को और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी बात लोगों पे असर करती है, हम लोग सियासी लोग हैं, हम सिर्फ सबको जमा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मुहिम आगे भी चलते रहेगी, पहले भी चलती थी, इसकी शक्लें अलग थी। पहले हमारी बैड लक थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, तो प्रिंट मीडिया में इतना दम नहीं था। आज इतने आप लोग तैयार हो गए हो कि घर घर तक हमारी बात आप लोग ऐसा पहुंचा देते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम मिला है। तो कॉरपोरेशन में इतने वार्ड बढ़े ना, इंशाल्लाह ताला वोटिंग भी MLA MP की हम इतनी कराएंगे कि ये शहर की एक सियासी हैसियत और एक सियासी पहचान बनेगी। कल्याण लोकसभा सीट में पूरा इलेक्शन जो है डोंबोली पे ही डिपेंड होकर लड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ 1 लाख वोट पोल हो जाते हैं। इसीलिए हम हमारी ताकत उन्हीं जैसी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी देने वाला अल्लाह। मलिक साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि आपने वोटिंग बेदारी का कार्यक्रम किया और काफ़ी सफल भी रहा, मगर प्रोग्राम के अंत में जो है सैयद अली अशरफ को आमदारगी लड़ाने पर जोर दिया गया, इस पर इससे कुछ अलग संदेश गया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो, ऐसा है कि मुसलमानों में सियासी बेदारी लाने की मुहिम थी, तो उसमें एक पार्ट है लोगों की तरफ से, मैंने नहीं, लोग ये चाहते थे कि हमारे कायद जागे हो ताकि कोई नया काम हो और इनकलाब आ जाए। थैंक यू। ये आदम भाई, आपका ये वोटिंग बेदारी प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखो, ये जो प्रोग्राम हुआ है, नजमुद्दीन मलिक, सुरमे साहब, ये सब मिलजुल के जो प्रोग्राम बना है, यहाँ की आवाम को जगाने के लिए प्रोग्राम बना है ताकि मेजोरिटी बढ़े, वोटिंग बढ़े, तो अपने जो भी काम है आगे के काम निकालने के वो अपन निकाल सकते हैं, ना उसमें एक मजबूती आती है और एक ताकत आती है। आज फिर से 5 साल बाद एक बड़े फैसले का वक्त आ गया है। छोटे छोटे फैसले होते रहते हैं, गलियों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम नुमाइंदे असल नुमाइंदगी चुनना है और पूरे देश का भला करना है। आज ये वक्त है कि हम लोगों को डेमोक्रेसी में आँख खोलने का वक्त मिला, हमने आज़ादी को देखा, हम इस आज़ादी में जी रहे हैं, पर उस आज़ादी का मकसद हम नहीं समझते। हमें उस आज़ादी के मकसद को समझना है। हमारे लिए ये जो मौका आता है वोटिंग का, ये हमारे आज़ादी के मकसद का एक हिस्सा है। पहले ज़माने में जब बातचीत होती थी, हम अपनी किसी बात का इजहार नहीं कर सकते थे, हम दबे कुचले लोग होते थे, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते थे, उनके कानून, उनके तमाम कायदे, तमाम चीज़ फाइल की जाती थी और हम लोग उसमें फॉलो करने के, उसको कानून को मानने के मजबूर किए जाते थे। कुछ केस हुई थी, उनको वोट डालने के लिए मना किया था, कुछ साल के लिए बैन हुआ था, तो उसके लिए कितना बवाल हुआ था। तो आप अपने वोट की कीमत समझो,
भले आपके एक वोट से आपको लगता है कि मेरे वोट से कोई प्रधानमंत्री बदलेगा नहीं, मेरे वोट से एमएलए नहीं बदलेगा, मेरे वोट से नगर सेवक नहीं बदलेगा, मगर आप अपने वोट की कीमत समझो। आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों को वोट डालने का हक नहीं है, और बहुत से संस्था ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बंद करा दो। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई आप लोग वोट डालो, चाहे जिसको डालना है, जिस पार्टी को डालना है। अगर आपको कोई पार्टी समझ में नहीं आती, आप नोटा में डालो, वो भी फैसिलिटी हो गई है, मगर वोट डालो और लोगों को बताओ कि वोट की कीमत क्या। अपने अड़ोस पड़ोस को बताओ, उनका माइंड फ्रेश करो। कभी नहीं देखा रात के 12 बजे हाईवे का उद्घाटन हो रहा, और दूसरे दिन मानवा पालक मंत्री आए तो वही उद्घाटन कर। वो क्या है, सेनों साहब के मार्ग दर्शन में ये ज्यादा बुरा नहीं मानना, हाँ बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। रेलवे का काम साहब के मार्ग दर्शन में हाई ऑफिसर है, जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री का है प्रोजेक्ट। क्यों, उसकी वजह बता दे दो। यहाँ पर कलमबोली के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, और यहाँ से मुमरा से सब में नजदीक एयरपोर्ट, और अपने प्रेफर्ड मार्केट का पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, सब कुछ रहता है, इसके लिए हाजियों को तकलीफ होती है। तो उन्होंने हाज हाउस जो है वो सोचा भिवंडी में, लेकिन भिवंडी में भी वही तकलीफ थी, तो उन्होंने हाज हाउस जो किया वो मुमरा में। तो ये योजना मांगी, लेकिन क्या मार्गदर्शन आमदार साहब, मार्गदर्शन रेलवे का खंभा डाला जो हमारे एमपी ने मार्गदर्शन आमदार साहब, ये सीढ़ियां तो होने वाली ऑटोमेटिक इलेक्शन के बाद स्टेरेटर लग जाएगा। मार्गदर्शन आमदार कर रहे कौन, श्रीकांत सिंह मार्गदर्शन किसका, आमदार साहब। मैं तो एक सच्ची बोलता हूँ सैयद भाई, आप बुरा नहीं माना, मैं फिर ये मन से बोलूंगा कि एनसीपी की यहाँ औलाद पैदा होती है तो साहब के मार्गदर्शन से। एक हफ्ते में मार्गदर्शन चलेगा, अरे हम लोग क्या पापड़ बेलना है या भजिया बेलती है, नहीं खाने सोचा भाई। लेकिन भाई भी आपसे ये है, और हमारे अनिल भाई हैं, हमारे जावेद भाई, ये आप लोग हैं, आपको जो अभी हर चीज प्राइवेटाइजेशन मुमरा में हो रही है सिर्फ लोन कमाने के लिए, ये आपको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और जिस दिन आपने रोक लिया, ये मुसलमानों को खाली बदनाम किया, क्या मुसलमान सेना को वोट नहीं देगा, मुसलमान इसको वोट नहीं देगा, मुसलमान उसको, मुसलमान हर एक को वोट देगा जो मुसलमान का फला बेहतर के लिए काम करेगा, जो उसको कामयाब देगा उसके लिए मुसलमान वोट करेगा। ये नहीं खान कैसे देखेगा कब वोट कैसे दिला। मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है वो भी देखते, ये पॉलिटिशियनों ने कभी भी तालुक से काम नहीं किया कि वोटर लिस्ट के अंदर भेजे हुए नाम आने के बाद कर्फ्यू होते। हमने देखा है पॉलिटिशियन जो है बाका का कैंप लगाकर कई जो है वोटर लिस्ट के अंदर फॉर्म भर लेते हैं, हजारों फॉर्म उनके यहाँ जमा होते, और वहां जाने के बाद पॉलिटिशियन के जरिए जाने वाला एक भी फॉर्म उसके अंदर जो है एंट्री नहीं होता है। अगर पहुंचे तो पूरे नदी में फेंक दिए जाते, वो तमाम वोटर जो है वो अपने अपने फैमिली के ले जाके फॉर्म खुद से जमा करे, उसकी रिसीप अपने हाथ में ले, जब जाके वो नाम जो है वोटर लिस्ट में आते हैं। अभी इससे पहले जो कॉर्पोरेट का इलेक्शन था हमारे यहाँ पर मुमरा दौसा में 178,000 वोटर थे, और उसके अंदर 20,000 से 25,000 नए वोटर भरे, लेकिन आज नई लिस्ट जो हमारे सामने लाई जा रही है वो 1,26,000 की। तो ये 60,000-70,000 वोट गए कहाँ, और आज इसको दुरुस्त करने का मौका हमारे पास है कि हम हमारे अपने बिल्डिंग को सर्च करें, उसमें कितने लोगों के नाम आज हैं, कितने लोगों के नाम कम हो गए हैं, उनको दोबारा उसके वोटर लिस्ट में लाने के लिए रास्ता बनाए। वेबसाइट के पास तमाम चीजें है, वेबसाइट गूगल पे खोलिए, उसके अंदर से नाम ढूंढिए, हर बिल्डिंग वाले अपनी अपनी बिल्डिंग के नामों को तलाश करें, उसमें कितने नाम कम हो गए हैं, नए नाम कितने बड़े हैं, कितने के डालने के बाद नए, उस तमाम चीजों को तलाश करने के बाद अभी हमारे पास और 8-10 दिन है, उसके अंदर वो नाम लाने की कोशिश कीजिए। आया हूँ
अब तक जब हुआ मुझे वो बात बिल्कुल नहीं करनी है कि अब तक क्या हुआ, हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग करना है। मैं बिल्कुल शॉर्ट बता दूं, हैदराबाद की एक कंपनी है, उसके शख्स है खालिद सैफुल्ला, उन्होंने इतना एक बेहतरीन ऐप बनाया है। इस वक्त ये मैंने ऐप ऑन करके आपके पास रखा है, मैंने काफ़ी वायरल किया। मैं आपको बता दूं कि इस ऐप की खासियत क्या है, हमें करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना है, हमें वॉलेंटियर्स खड़े नहीं कर रहे हैं, हमें लोगों को घर घर दौड़ाना नहीं है। जिस तरह से आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करते हैं गेम्स वगैरह, उसी तरीके से आप जाकर सिर्फ आपको लिखना है मिसिंग वोटर्स, बराए करम अभी आप लिख सकते हैं मिसिंग वोटर्स, कुछ नहीं करना है आपको। आपने मिसिंग वोटर्स जैसे ही आपने इंसर्ट किया, आपने डाउनलोड किया, पूरे ऑप्शंस आपके सामने ओपन करता है, वो पूछता है कि आप किस इलाके में काम करना चाहते हैं, आप खुद वॉलेंटियर बनना चाहते हैं कि आप अपने लिए करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं, आपकी टीम या किसी और की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो तमाम ऐप में हर चीज मौजूद है। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इमेज को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट से बड़ी मेहनत की। मैं आपको अगर वो रेशो बताता चलूं तो आप सुन के हैरान होंगे, 5 करोड़ मुसलमान और दलित के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, 5 करोड़, ये मजाक नहीं है जी। तो आप सोचिए, इतना स्पीड में बता दूं, अगर मैं थोड़ी गुजरात की और इस तरह की बात करूं तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो 17 सीटें जो बेसिकली बीजेपी की जीती है, अगर मैं बाकी के कैंडिडेट से डिफरेंस आपको बताऊं तो आपको सुन के हैरानी होगी, पूरे कैंडिडेट 17 को मिलाकर भी सिर्फ 3,000 वोट का डिफरेंस है। अगर 17 कैंडिडेट तो 3,000 वोट के डिफरेंस है, और पता ये चलता है कि वहां के जो नाम है मुसलमानों के वो 1800 लोगों में एक का नाम है। एक लड़का नौजवान लड़का मेरे घर से, वो भी 22 साल के रहा होगा, नशे की हालत में गड्ढों में गिर गया, शायद रात पढ़ रखी है, नशे की हालत में गड्ढों में पड़ा रहा। तो इसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सभी लोगों के साथियों, तो होटल अभियान के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग मिलजुल करके कम से कम ये नशे के ऊपर वर्किंग करना बहुत जरूरी है। सही है भाई साहब, मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते शायद अपना अनाउंसमेंट होगा कि नशे के ऊपर, और कम से कम आप ये बने तैयारी कीजिए, कम से कम 50,000 लोगों का अगर आप वोट पहुंचाते हो तो मैं समझता हूँ कि ये नशे का जो कारोबार है, ये जो सिस्टम है, सभी सिस्टम जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ करीम खान चले या सिर्फ वसीम सैयद चले, ये सिस्टम जागेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे अपने में कमी है, कहीं ना कहीं खुद हमारे खुद अपने में कमियां हैं कि हम जिनको प्रतिनिधि छू करके लाते हैं वो इस चीज पर वकील नहीं करते। मैं आने वाले कल में होंगे बहुत बड़ी पंचायत का इलेक्शन है, हमारी जिम्मेदारी है कि वोट देना जरूरी है और सोच समझ के वोट देना जरूरी है, जिससे देश का वो आदमी चुना जाएगा जो देश को लीड करेगा, बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मुसलमानों ने कभी आए क्या इलेक्शन में होती वाले दिन को हम ये समझते हैं कि छुट्टियों का दिन, हम छुट्टियां बनाते हैं, चिकन मटन ला रहे, खाते बनाते हैं, वोट दे रहे, ना खुद उतरते हैं ना अपने बाल बच्चों को उतारते हैं। तो साथियों, ये बहुत जरूरी इलेक्शन है, इसमें आपके देश का भविष्य तय करना है, तो हम सबका काम है कि हम सब उतर करके इस इलेक्शन में साथ दें और अपना अच्छा प्रतिनिधि चुने, जहां अपना फील करें पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चुने जो देश को लीड कर सके। साथियों, यही कहकर मैं इस दिन को खत्म करता हूँ एक शायरी के साथ। अब कहां वो दलीचे महीनों में भाई साहब कांग्रेस आपका भाषा, अब कहां वो दलीचे महीनों में जिनसे कूटे मगर चमकते हैं, अब कहां वो दलीचे महीनों में जिनसे कूटे मगर चमकते हैं, कैसे मंत्री पाओगे साथियों, यहां रहना खुद ही बताते हैं।